दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। लोकतंत्र के इस महापर्व में पर्चे के आखिरी दिन आज कई प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। कुछ चेहरों में मायूसी रही तो कई चेहरे खिलखिलाते रहे। वजह साफ देखी जा सकती थी, कई पार्टियों के टिकट कट गए, कई प्रत्याशियों को निर्दलीय पर्चे दाखिल करने पड़े तो कहीं कई प्रत्याशी दल बदलू बन गए और उन्होंने पर्चे दाखिल कर लोकतंत्र के इस महापर्व के चुनावी संग्राम में कूद पड़े। पेश है ये खास रिपोर्ट। नामांकन पत्र दाखिले का आज आखिरी दिन काफी भागा दौड़ी, गहमा गहमी, मायूसी और उसमें भी किसी की खुशी का दिन रहा तो किसी के गम का। रीवा जिले की 8 विधानसभा सीट से दर्जन भर प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। गौरतलब है कि विगत 2 नवंबर से 9 नवंबर तक नामांकन दाखिल करने की तिथि निर्धारित की गई थी। 9 नवंबर आखिरी तारीख होने के चलते कई प्रत्याशी पार्टी से टिकट मिलने के इंतजार में थे, वहीं कई पार्टी भी जिताऊ प्रत्याशी की तलाश में थी। नतीजन आखिरी दिन भी पार्टी के प्रत्याशियों में अदला बदली होती रही। चर्चित विधानसभा सीट रीवा से आखिरकार आज कांग्रेस के प्रत्याशी अभय मिश्र ने पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा सपाक्स से सोमेश प्रताप सिंह और अपना दल से के के गुप्ता बहुजन समाज पार्टी से बगावत करते हुए आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया। जनपद से विधानसभा चुनाव में कूदे केपी त्रिपाठी ने भी आज नामांकन पत्र दाखिल किया। केपी त्रिपाठी का मानना है कि सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जो क्षेत्र के विकास के लिए की जा सकती थी, बावजूद वर्तमान विधायक ने यहां पर विकास कार्यों को नहीं किया। नतीजन कई पहलू ऐसे हैं जहां पर विकास नहीं दिखाई पड़ता। उन्होंने कई एजेंडों के साथ नामांकन दाखिल किया और भरोसा जताया कि अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास करेंगे। केपी त्रिपाठी ने रीवा दर्शन से खास बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या एजेंडे रखे और किन मुद्दों के साथ वो चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के केपी त्रिपाठी जी मौजूद हैं, जिन्होंने अभी सिमरिया से पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद वो हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर हैं। हम उनसे जानते हैं इस बार आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सिमरिया का सर्वांगीण विकास, विकास के 2 पहलू होते हैं, मानवीय मूल्यों की स्थापना कर विकास के नए आयाम गढ़ना। उसके तहत पहले विकास की बात करते हैं, फिर मानवीय मूल्यों की बात करेंगे। पहले विकास में सिमरिया के उत्तरी क्षेत्र में जो जरमोहरा बांध है उससे जो नहरें जाती हैं, हमारे सिमरिया का जरमोहरा बांध भर नहीं पा रहा है, जिससे उस 30 ग्राम पंचायतों में सिमरिया के उत्तरी क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या हो गई। पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। उस उत्तरी क्षेत्र की 30 ग्राम पंचायतों के खेत खेत तक पानी पहुंचाना और उसके साथ ही सिमरिया के दक्षिणी भाग में जहाँ तक नहरों का जाल बिछ चुका है, लेकिन कुछ गाँव में बीच बीच के पैचेज हैं छोटे छोटे जहाँ पर पानी नहरों के द्वारा नहीं पहुँचाया जा सकता, तो सिमरिया के उत्तरी क्षेत्र में खेत खेत तक पानी पहुंचाना और सिमरिया के दक्षिणी क्षेत्र में जो छूटे हुए एरिया है उसमें प्लान करके कैसे खेत खेत तक पानी पहुंचेगा, इसकी चिंता करना पहला मेरा एजेंडा है सिमरिया के विकास का। आपके क्षेत्र में अभी और एजेंडे बता दी। दूसरा एजेंडा हमारा होगा रीवा से लेकर बाया बनकुइया मानिकपुर, रीवा से लेकर बाया बीड़ा धारकुड़ी होते हुए चित्रकूट, सतना से सिमरिया होकर अलाहाबाद और ये सारी सड़कें सिमरिया से बेंसुनपुर, एक जंक्शन के रूप में सिमरिया को विकसित करना। यदि सिमरिया जंक्शन के रूप में विकसित होगा तो निश्चित रूप से एक बड़े शहर के रूप में विकसित होगा। स्वास्थ्य चिकित्सा के जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो शिक्षा की सुविधाएं हैं, उनमें कैसे बढ़ोतरी हो। और सिमरिया में एक ऐतिहासिक तालाब है शंकर जी का, आप देखे होंगे, जो पत्रकार बंधु जानते होंगे, उस बेल्ट में कई सारे तालाब मणिप्रसाद के मौहरा जी के दादाजी ने बनवाए थे। वो हमारा सिमरिया का तालाब कैसे हमारे रानी तालाब, रतहरा और चिरहुला की तलब तरह सौंदर्यीकरण होगा, उसका इसकी हमको चिंता करना भी हमारे एजेंडे में एक शामिल रहेगा।
इसी तरह हमारे सिमरिया में पर्यटन की अपार संभावनाएं, सबसे नज़दीक है हमारा पूर्वा वाटरफॉल, बसामन मामा वहीं आध्यात्मिक केंद्र, और आज की डेट में गौ अभ्यारण्य जहाँ 10,000 गायें पालने का ध्येय रखा गया है, जहाँ कोई भी संत आता है तो बसामन मामा हमारे जाएगा, जिससे हमारे बसामन मामा का नाम बढ़ेगा, तो कैसे अच्छी सड़कें हों वहाँ, कैसे पर्यटन की सुविधाएं बढ़ें, और इसी तरह पियामन के आश्रम, ककरेड़ी के जंगल, मैनहा एक नागर हमारे यहाँ है जहाँ अभी तक सड़क नहीं पहुँच पाई है, वहाँ 380 बावलियाँ हैं आल्हा उदल के रूप में, उस क्षेत्र पर हम सड़क पहुंचा कर एक पर्यटन स्थल के रूप में इन सारी चीज़ों को एक सर्किट बनाकर विकसित कर सकते हैं, तो एक पर्यटन हब के रूप में हमको सिमरिया को कैसे विकसित करेंगे। हमारे सिमरिया को दो नदियां जो हैं वो टमस और बीहर हमारे सिमरिया से होकर गुजरती हैं, तो उनके अगल बगल रहने वाले गाँवों में कनेक्टिविटी, हालाँकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तो उसमें कुछ कनेक्टिविटी बढ़ाई है, लेकिन अभी भी फिर भी बहुत गैप है, बहुत सारे गाँवों को दूसरे गाँव में जाने के लिए 10 से 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, उनकी कनेक्टिविटी को कैसे मिनिमाइज़ करके आपस में कनेक्टिविटी बढ़ाना, ये भी हमारा एजेंडा होगा। और हमारा सबसे बड़ा जो सपना है, एजेंडा नहीं है, वो हमारा सपना है कि हम सिमरिया को हमने अभी 10,000 किसानों को रीवा जनपद और सिरमौर जनपद से चिन्हित कराया था, जिनको चिन्हित कर लिया गया है कि 10,000 हितग्राहियों को पशुपालन के लिए वहाँ लोन मिलना है, तो उसमें हमको 10,000 लोगों को गाय पालने के लिए लोन दिलाना है एक एक करके, जिससे लोग गाय पालेंगे तो दुग्ध उत्पादक हब के रूप में वो विकसित होगा, और उनका दूध सहकारिता के माध्यम से कैसे उनको उचित दाम मिले, इसकी व्यवस्था बनाने का ये हमारा सपना है। और जब गांव-गांव में गायें होंगी, उनका गोबर होगा, और हमारे यहाँ 10,000 गायें यदि गौ अभ्यारण्य में पलेंगी तो उसका भी गोबर होगा, वो गोबर कहीं बाहर न जाने पाए, हमारे सिमरिया के खेतों में पड़े, और एक सिमरिया हमारा ऑर्गेनिक खेती के हब के रूप में कैसे विकसित हो, इसके लिए भी हम चिंता करेंगे, और उसमें भी सहकारिता के माध्यम से कैसे उनको किसानों को ऑर्गेनिक अन्न उत्पादन के बाद उनको उचित दाम मिलेगा, इसके लिए हम हमारा ये सपना है कि एक दुग्ध उत्पादन और ऑर्गेनिक अन्न उत्पादक हब के रूप में सिमरिया को विकसित करना, जिससे युवाओं का पलायन रुके और किसानों की आय कैसे दुगनी हो। ये थे हमारे साथ केपी त्रिपाठी जी के साथ साथ मूल्यों की पुनर्स्थापना करना, और पहली बार इतिहास में राजमन पटेल जी के बाद सिरमौर जब विधानसभा थी उसके साथ साथ पहली बार सिमरिया के बेटे, ये थे हमारे साथ केपी त्रिपाठी जी, जिनके इतनी सारी योजनाएं में से अगर इन ईमानदारी से उन योजनाओं पर काम हुआ और वो पूरी हो गई तो निश्चित रूप से सिमरिया काफ़ी विकसित हो जाएगा। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। कांग्रेस पार्टी ने सिमरिया विधानसभा सीट से त्रियुगी नारायण शुक्ल भगत को चुनाव मैदान में उतारा है। भगत वर्तमान में जिला अध्यक्ष ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के पद पर पदस्थ हैं। बावजूद इसके टिकट की होड़ में लगातार रहे और आखिरकार उन्हें प्रत्याशी बनाना पड़ा। भगत से रीवा दर्शन ने खास बातचीत की, आइए जानते हैं उनके क्या हैं चुनावी एजेंडे। इलेक्ट्रेट में मौजूद हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी त्रियुगी नारायण शुक्ल भगत जी, जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण के अध्यक्ष भी हैं और सिमरिया से पुनः उम्मीदवार कांग्रेस ने इन्हें चुना है। इस बार शुक्ल जी, किन किन मुद्दों को लेकर आप सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में हैं? क्योंकि दो बार से वहां पे भाजपा ही जीत रही है, इस बार वो भाजपा आपके साथ है, सिमरिया की भाजपा आपके साथ है, क्योंकि कैंडिडेट जो है पूर्व के जो विधायक थे वहाँ के वो कांग्रेस में आ चुके हैं, उसका भी फायदा आपको मिलेगा, और कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप सिमरिया में फिर जा रहे हैं? किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारों का मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, विकास बड़ा मुद्दा है, इसके लिए हम लोग इसको मैदान में लेके जा रहे हैं। इन बिंदुओं को, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार को मूल रूप से नष्ट करेंगे, चला क्षेत्र का विकास करेंगे, यही हम लोगों का मूल मुद्दा है। आपके विधानसभा क्षेत्र में दो दो फैक्ट्रियां हैं, जेपी सीमेंट है, अल्ट्राटेक भी अब एडजस्ट हो गई है, बेरोजगारों को यहां पर तो आपके क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिला नहीं, उनके लिए क्या आप नया करने जा रहे हैं? हम लोग नया ये करने जा रहे हैं कि उन फैक्ट्रियों में तथा एक हमारी ऑक्साइड की माइंस भी है हमारे क्षेत्र में, उधर उत्तरी पहाड़ी बेल्ट में, हम लोगों का पूरी कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास होगा कि इन फैक्ट्रियों में हमारे विधानसभा क्षेत्र को पहली प्रायोरिटी, रीवा जिलों को प्रायोरिटी होनी चाहिए वहाँ के बेरोजगारी युवकों के लिए, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे तथा हमारे जो बेरोजगार युवक हैं उनको वहाँ नौकरी, उनमें रोजगार दिलवाएंगे। बॉक्साइट की जो फैक्ट्री है हमारे चित्ती देवगांव में, उधर लास्ट में पहाड़ी अंचल में, वहाँ भी हम ये प्रयास करेंगे कि हमारे लोकल जो हैं लोग उनको वो मिले, बाहरी लोग उससे फ़ायदा ना उठाएं। जी,
ये थे त्रियुगी नारायण शुक्ल भगत जी। उनके साथ मौजूद हैं पूर्व जनपद अध्यक्ष सिमरिया सिरमौर क्षेत्रीय कद्दावर नेता। मैं डीपी सिंह जी से जानना चाहूँगा, सिमरिया और सिरमौर में इस बार क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की? देखिए, पूरे देश में जहाँ आज चुनाव हो रहा है, जहाँ चुनाव नहीं भी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जनता का अपना ही एक सोच डेवलप हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का जो एक लबादा उसने धर्म का ओढ़ रखा था, संप्रदाय का ओढ़ रखा था, वो सब खुल गया है। ना आज राम मंदिर का मुद्दा उनके समझ से बाहर हो चुका है, इस चीज़ को जनता भी समझ गई है। जातियों को बांटने का जो काम किया है, बेरोजगार आज भी बेरोजगारी की हालत में है। कोई इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी ने इन 15 सालों में नहीं किया है कि जिससे महिलाओं का उत्पीड़न रुका हो, किसानों की कोई समस्या का समाधान हुआ हो। इसलिए जनता पूरी परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन आएगा ही। एक चीज़ और जानना चाहूँगा सिंह साहब आपसे कि रीवा में कांग्रेस के लोग ही अब कांग्रेस के विरोध में उतरने की सोच रहे हैं, कुछ लोगों ने पर्चे वर्चे भी भर दिए हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से, क्या स्थिति रहेगी उनकी? देखिए, चुनाव के टाइम में आया राम गया राम लगा रहता है। कहीं भाजपा के लोग आप देख रहे हैं कि अभी सरताज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आ गए, कितना द्वंद्व मचा हुआ भारतीय जनता। ये तो आया राम गया राम एक थोड़े दिन तक चलता है, नाम वापसी हो जाने दीजिए, उसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ लड़ाई लिखेगी। ये थे डीपी सिंह जी, और अभी हम बात कर रहे थे सिमरिया विधानसभा के श्री त्रिगुणनारायण शुक्ल जी से और डीपी सिंह जी से। और रीवा दर्शन के लिए मैं अनिल त्रिपाठी। गुड़ विधानसभा सीट से मुकाबला काफी रोचक हो गया है। गुड़ विधानसभा सीट में जहां भाजपा ने नागेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, वही कांग्रेस पार्टी ने सुंदरलाल तिवारी को पुनः मौका दिया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर मुनिराज पटेल को मैदान में उतारा है। इन सब पर समाजवादी पार्टी ने अपना पत्ता खोलते हुए कुंवर कपिल ध्वज सिंह को यहां मैदान में उतार दिया है, और उनके आने से यहां पर मुकाबला काफी रोचक हो गया है। कुंवर कपिल ध्वज सिंह ने रीवा दर्शन से खास बातचीत की, जिनमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है, जबकि वहां पर कई अपार संभावनाएं हैं, रोजगार शिक्षा समेत कई अन्य क्षेत्रों में कार्य किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं कुंवर कपिल ध्वज सिंह के क्या है वादे। अभी अभी समाजवादी पार्टी से पर्चा दाखिल करके निकल रहे हैं कुंवर कपिल ध्वज सिंह जी। क्षेत्र में काफ़ी विकास के लिए वो उत्सुक हैं और लगातार क्षेत्र का जनाधार उन्होंने बढ़ाया है। मैं उनसे बात करना चाहूँगा, किन मुद्दों को लेकर आप गुड़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार जा रहे हैं? ये प्रमुख मुद्दे तो गुड़ विधानसभा क्षेत्र बाहरी प्रतिनिधित्व होने के कारण पिछले कई पंचवर्षीय से विकास में बहुत पीछे रह गया है और जनता के अधिकारों का बड़े ही क्रूरता से हनन हुआ है। गुड़ विधानसभा क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा हो, रोजगार के अवसर की बात हो, कोई भी विषय हो, उसमें गुड़ विधानसभा का क्षेत्र बहुत पीछे है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार गुड़ विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय प्रतिनिधित्व का है। विगत कई पंचवर्षीय से बाहर के नेता यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और किन्हीं कारणों से जनता का प्रतिनिधित्व उनको मिल जाता है और वो वैसा ही स्वभाव व्यवहार जनता से करते हैं जैसा एक घर के बाहरी व्यक्ति घर के आदमी से करता है। इस बार गुड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता, वहाँ के मतदाता संकल्पित हैं कि इस बार जिसको भी चुनेंगे अपने क्षेत्र के ही प्रत्याशी को चुनेंगे। गुड़ विधानसभा क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा है, सोलर प्लांट, लेकिन बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, उस मुद्दे पर आपकी क्या सोच है? निसंदेह पावर प्लांट लगा है, एशिया का सबसे बड़ा है, और जब ये प्लांट स्थापित होने की शुरुआत हुई थी तब ये सरकार ने आश्वस्त किया था कि स्थानीय नौजवानों को इसमें रोजगार पाने में प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु जैसा सरकारें सदैव करती हैं, काम निकल जाने के बाद वर्तमान में वहाँ स्थानीय युवाओं को रोजगार के कोई अवसर नहीं है। सारा अधिकार और सारी व्यवस्था बाहर के रोजगारों युवाओं के लिए है। गुड़ विधानसभा क्षेत्र के युवा रोजगार से पूरी तरह वंचित।
ये आपके विधानसभा क्षेत्र में कोस्टा कचरा संयंत्र घर भी स्थापित हुआ है, लोग परेशान हैं और आपके पास शिकायतें भी आई हैं, उसके लिए क्या निदान के लिए क्या आपने सोचा है? देखिए, ये हम लोग संकल्पित थे कि जनता की इच्छा, जनता की भावना के विपरीत यदि जबरदस्ती सरकार कोई काम करती है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। पहाड़िया, कोस्टा और बक्सेरा में, कोस्टा में तो बहुत छोटा है, पहाड़िया और बक्सेरा में एक बड़ा ठोस अपशिष्ट प्रबंध संयंत्र स्थापित करने की सरकार का जो निर्णय था उसका शुरू से वहाँ की स्थानीय जनता विरोध कर रही थी, और विरोध के कारण भी बहुत स्वाभाविक थे क्योंकि जनता का जीवन उससे प्रभावित हो रहा था। परंतु सरकारें जब सत्ता में रहती हैं तो मद में चूर हो जाती हैं, जनता की भावना, जनता के इच्छाओं को दबा के ज़बरदस्ती वहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका हम लोगों ने स्थानीय स्तर पे वहाँ के क्षेत्र की जनता जनार्दन को साथ में लेके विरोध किया, और जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर जहाँ भी विरोध करने की आवश्यकता थी वहाँ पे विरोध किया गया। जब कहीं से सुनवाई होते नहीं दिखी तब हम लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। दुर्भाग्य से हाईकोर्ट ने भी जनता के हित में निर्णय नहीं किया, परंतु अभी वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनता के हितों को, जनता की भावनाओं को देखते हुए न केवल पहाड़िया बक्सेरा बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे देश के इस तरह के कचरा संयंत्रों के निर्माण पर रोक लगा दी है, और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग राशि 1 लाख से 3 लाख 4 लाख तक की राशि का जुर्माना सरकारों पर लगाया गया है। एक मुद्दा और है जो अभी हाल फिलहाल काफ़ी तेज़ी से उभरा था, SC ST एक्ट का, उसमें आपकी क्या सोच है, पार्टी की क्या सोच है? कि हमारी सोच तो बहुत स्पष्ट है, इसमें समाज का एक तबका जो पीछे छूट गया है उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए। ऐसे समाज जिसके साथ कोई अन्याय अत्याचार हो, जिसकी सुनवाई करने के लिए वो आगे सक्षम न हो, उसको सरकार को संरक्षण देना चाहिए। परंतु ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह वो तबका है उसी तरह देश का हर नागरिक है, सबको कानून का, न्याय का समान अधिकार है। इस तरह का जो अध्यादेश लाया गया जिसमें नागरिकों को समान सुनवाई का अधिकार ही समाप्त कर दिया गया, तो इससे अच्छा तो सरकार देश में आपातकाल लागू कर दे और जनता को हर तरह की न्याय की सुनवाई से वंचित कर दे। हमारा प्रयास है कि समाज के हर वर्ग में समन्वय हो। जिस तरह पुराने समय में, आदिकाल में, पूरा समाज एकजुट होकर आपसी भाईचारे से रहता था, उसी तरह के भाईचारा का निर्माण करने की आवश्यकता है। परंतु सरकार के इस तरह के बेतुके अध्यादेशों से समाज टूट रहा है। जिनका हित करने की सरकार बात कर रही है उनको भी समाज से दूर करने का सरकार गलती कर रही है, और हम जैसे लोगों का ये प्रयास है कि किसी भी तरह समाज टूटे ना। समाज के हर वर्ग में सबको सम्मान का अधिकार है, सबको न्याय का अधिकार है, सबको आपस में, देश में प्रेम से रहने का अधिकार है, और सरकारें इसको बनाने का काम करें, इस सामाजिक व्यवस्था को, समरसता को तोड़ने का प्रयास या काम न करें। तो ये थे कुंवर कपिध्वज सिंह, गुड़ा क्षेत्र से सपा के प्रत्याशी, प्यार से लोग इन्हें भैया साहब बोलते हैं, मेरी भी शुभकामनाएं। मैं रीवा दर्शन के लिए अनिल त्रिपाठी। विधानसभा सीट रीवा से अभय मिश्र ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन पत्र दाखिल किया। अभय मिश्र नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जैसे ही बाहर निकले उन्होंने तुरंत भाजपा सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए अभय मिश्र ने कई आरोप लगाए। अभय मिश्र का विरोध खास तौर से देखने को मिला। अभय मिश्र ने आरोप लगाए कि रीवा में विकास कहीं दिखाई नहीं देता और यहां की जनता काफी परेशान है। अभय मिश्र के क्या है वादे, चुनाव में किस वादों के साथ वो मैदान में है, रीवा दर्शन से उन्होंने खास बातचीत की और अपना चुनावी एजेंडा पेश किया। हम इस समय रीवा कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं, विधानसभा 74 के सामने हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं अब भी पर्चा
दाखिल करके बाहर निकले कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा जी, उनके साथ हैं महाराजा पुष्पराज सिंह जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनके क्या है खास मुद्दे, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? रीवा की बेशकीमती जमीनों की लूट को रोकना और रीवा के 90% पढ़े लिखे बेरोजगार जो दर दर भटक रहे हैं उनको रोजगार देने का मुद्दा, और पार्षदों के काम को मंत्री जो अपना विकास बता रहे हैं गांव गली मोहल्लों में और 15 साल में कुछ भी नहीं किया, तो एक 5 वर्ष का एक ठोस एजेंडा कि रीवा में क्या होगा उसका मैनिफेस्टो देकर रीवा को एक नई दिशा देने के काम में मैं काम करूंगा। इसमें आप पहली प्राथमिकता, जैसे चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? पहली प्राथमिकता है हमारी युवाओं की, युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलाना। JP यहाँ रहेगा, सोलर प्लांट यहाँ रहेगा, कोई अल्ट्रा ट्रैक आएगा तो अगर यहाँ फैक्ट्री है तो उसको यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं महाराजा पुष्पराज सिंह जी, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना? देखिए, जो यहाँ पर जिस प्रकार से लूट हुई है, बेशकीमती जमीन एक व्यक्ति को बाहर से एक भगोड़ा को बुला के दे दी गई है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। युवक को रोजगार, शहर की गंदगी, शहर की बदहाली, अस्पताल की अव्यवस्था, सारे ये कॉम्प्लेक्सेस कोई न कोई उद्देश्य की प्रतिपूर्ति करने के लिए, एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, वाइट टाइगर सफारी में जो खुली लूट हुई है, जो एक प्रकार से मध्य प्रदेश टूरिज्म पूरे तरीके से फ्लॉप हो गया है, एक भी आइटनरी कहीं भी नहीं बनी है पूरे देश के किसी ट्रैवल एजेंसी में, जिसकी दुहाई दे रहे थे कि ये इंटरनेशनल टूरिस्ट एरिया होगा, उसमें जो हमारी सड़कें ख़राब हैं, बदहाल सड़कें, ख़ासतौर से सतना और रीवा की सड़क, खजुराहो से लेके ओरछा से लेके जो हमारी सड़क यहाँ आ रही है उसकी हालत ये है कि जो एक बार बनी वो उखड़ गई, अब जो पुनः बनी है उसमें इतनी लहरें हैं कि इंसान चल नहीं सकता है ठीक से। ये सारी चीज़ें उसका ठेका भी उनके नाम पर है, तो ये सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं से एक इंक्वायरी भी बैठे। हमारे साथ मौजूद हैं राम पदगम समिति के अध्यक्ष, हम उनसे प्रदेश संयोजक, हम उनसे बातचीत करेंगे, संजीव मोहन गुप्त जी। जी, मेरा ये मानना है कि यहाँ की जो बेसिक सुविधाएं हैं, चिकित्सा की सुविधाएं, आज भी रीवा में इतने गांव से लोग आते हैं, शहर के लोग इतना परेशान होते हैं, कोई जबलपुर भाग रहा है, कोई नागपुर भाग रहा है, बम्बई आ रहे हैं, भोपाल आ रहे हैं, यहाँ पर इतनी घोषणाएँ हुई, उसके नाम पर इतना पैसा आया, वो सब कहाँ गया, उसकी जाँच कराएँ। और सत्ता परिवर्तन का समय है, अब ये पब्लिक दिखा चुकी है कि अब ये सत्ता परिवर्तित होने वाली है, उसी के में जो है वो परेशान होकर भाजपा जो है रोज़ ऊटपटांग बयान दे रही है, रोज़ दूसरे पार्टियों में से नए नए उम्मीदवार खड़े कर रही है, केवल जात विभाजन करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं, विकास का कोई एजेंडा नहीं। फिर विकास की बात करो तो 5 साल मांगने लगते हैं, कितने साल चाहिए उनको? मेरा यही कहना है कि जो मौलिक सुविधाएँ हैं, जो बेरोजगारी है, उसको अभय आएँ, आगे देखें और उसको डट के मुकाबला करें, हम सब साथ में खड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पिछले बार कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर मुजीब खान, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन यहां चल रहा है, और जहां तक हमारे रीवा की प्रत्याशी की बात है, वह संघर्षशील व्यक्ति हैं अभय मिश्रा जी, उन्होंने संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो खूबी होती है वो है बदलाव, वक्त है बदलाव का, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है, और हमारे रीवा बिंद से, हमारे रीवा से भी सब कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीतेंगे। इस बार भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उनका जो कुशासन था वो जनता समझ चुकी है, जान चुकी है, युवक जान चुके हैं, बेरोजगार हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, तमाम चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है, जो उन्होंने कांग्रेस के सरकार को हटाने के समय कहा था कि हमारी सरकार आएगी हम सब विकास कर देंगे, विकास के बदले उन्होंने विनाश दिया है इस मध्य प्रदेश को, इस विंध को, इस रीवा को, इसलिए जनता जो है इस बार सोच समझ कर निर्णय लेगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बने। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रमुख लोग, जिनका साफ तौर से कहना था विकास महज दिखावा है, विकास के नाम से यहाँ पर कोई भी किसी तरीके का काम नहीं हुआ, विकास इस बार कांग्रेस करेगी, उनका साफ तौर से कहना था वक्त है बदलाव का। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। रीवा विधानसभा सीट से ही सपा प्रत्याशी सोमेश सिंह ने भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सोमेश शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, राजनीति में उनकी पहली एंट्री है, इससे पहले उन्हें
किसी भी तरह का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, लेकिन सोमेश का दावा है कि वो निश्चित तौर पर विजय हासिल करेंगे। उनके साथ ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोगों का समर्थन है। क्या है सोमेश के वादे, आइए जानते हैं रीवा दर्शन से उन्होंने क्या कहा। कलेक्ट्रेट में पर्चा दाखिल करके निकले हैं अभी सपाक्ष से सोमेश प्रताप सिंह जी, मैं उनसे बात कर रहा हूं। ये पूछना चाहूंगा, रीवा में पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और क्या आपके एजेंडे हैं? हमारा सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है कि भारत देश से आरक्षण खत्म हो और जो भी आरक्षण रहे आर्थिक आधार पर आरक्षण रहे, जो गरीब का बच्चा है उसको आरक्षण मिले। और एट्रोसिटी एक्ट भी हमारा प्रमुख मुद्दा है कि बिना सुनवाई के किसी को जेल ना भेजा जाए। हम SC ST एक्ट के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम विरोध में ये हैं कि हमें सुनवाई का मौका दिया जाए। यदि कोई गलत करता है तो उसको सज़ा मिले, लेकिन बिना गलती के बिना सुनवाई के उसको सज़ा ना मिले। पिछले 15 सालों से यहाँ भाजपा है, रीवा में आप विकास की गतिविधियों के बारे में क्या देखते हैं? विकास की गतिविधियों में कुछ नहीं है, रीवा शून्य है। जितनी भी सरकारी ज़मीनें थी उन ज़मीनों को हड़प के एक प्राइवेट बिल्डर को दे दिया गया। उनमें कन्या महाविद्यालय भी बनाया जा सकता था, गरीबों के लिए स्कूल भी बनाई जा सकती थी, लेकिन सब पूंजीपतियों को वहाँ पे दुकानें शॉपिंग मॉल बना के बेचा जा रहा है। रीवा की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? रीवा की जनता के लिए बस मेरा एक ही संदेश है कि ये परिवर्तन की लहर है और ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। मैं खुद स्वयं वोटर हूँ और इस बार वोटर है मैदान में, और वोटर को ही वोट, जो वोटर्स हैं वो वोट डालें और परिवर्तन करके सत्ता परिवर्तन करें और सपाक्स को विजयी बनाएं। ये थे सोमेश प्रताप सिंह जी और अभी इनसे बात कर रहा था मैं रीवा दर्शन के लिए अनिल त्रिपाठी। बहुजन समाज पार्टी से बगावत कर के गुप्ता ने भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। के गुप्ता पूर्व विधानसभा रीवा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे और उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था, बावजूद इसके के गुप्ता की टिकट काट दी गई। मधुसूदन सोनी को यहां पर पहले बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया और अंतिम क्षण पर कासिम खान को टिकट देकर मधुमास सोनी की भी टिकट काट दी। ऐसे में यहां पर बागी बने के गुप्ता ने भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन, मैं जावेद अंसारी। हम इस समय खड़े हैं विधानसभा क्षेत्र 74 रीवा में। अभी यहाँ पर पर्चा दाखिल करके बहुजन समाज पार्टी के कासिम खान जी पर्चा दाखिल करके निकले हैं। आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं। आपकी क्या प्राथमिकताएं, क्या आपने प्राथमिकताएं तय कर रखी हैं इस बार चुनाव में? बहुजन समाज पार्टी को यद रीवा विधानसभा में पूरे मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैं विधायक बना, तो मैं पहली प्राथमिकता जो है तो मेरे यहाँ का जो आधा अधूरा जो विकास हुआ है उस विकास को पूरा करेंगे। भ्रष्टाचार और जितनी योजनाएं हैं वो योजनाएं जो हैं तो वो योजनाएं केवल ऊपरी तौर में है, ज़मीनी स्तर पे नहीं है। तो पहली प्राथमिकता हो जाएगी कि वास्तविक जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को जो है तो ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाए और योजनाओं का सही संचालन हो। पिछले बार चुनाव लड़े लोग इस बार दूसरी पार्टी से हैं, कई लोगों ने पर्चा दाखिल कर दिया बहुजन समाज पार्टी से विद्रोह करके, उनसे कैसे निपटेंगे आप? ये बहुजन समाज पार्टी द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जो द्वारा आशीर्वाद मेरे को प्राप्त हुआ है, और जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वो साथी हैं, वो अपना फार्म भरे हैं, तो ये तो स्वतंत्रता है, किसी को कहा नहीं जा सकता क्या कर रहे, विद्रोह करें या ना करें जाए कि उनकी स्वयं की वो है। लेकिन मेरा ये जरूर कहना है जाके संगठन से दूरियां बनाना जो है तो राजनीतिक उसमें अगली कड़ी के लिए नुकसान होता है। पिछले यहाँ से 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो मंत्री भी हैं और काफ़ी मतों से जीतते रहे, आप उनसे किस तरीके से निपटने की क्या आपने क्या तैयारी कर रखी? सर, तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो MLA थे, विधायक थे, तो वो जो है तो 3 बार बने थे, लेकिन इस बार जो उन्होंने रीवा की जिस तरह से बुरी हालत की है उस हालत में जो है तो रीवा की जनता आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी की जो लहर रहती थी वो कोई लहर नहीं है, और हमारे बहुजन समाज पार्टी की लहर है। हमारे बहुजन समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ता साथी जितने हैं वो जबरदस्त तेज़ी से लड़ेंगे और कांग्रेस भाजपा दोनों हारेगी, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा।
ये थे कासिम खान, जिनका साफ तौर से कहना था बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीतेगी। बगावत जिनने की है उनका किसी तरीके का यहाँ कोई भी जनाधार नहीं है। हमारी पार्टी यहाँ पर काफ़ी मजबूत स्थित में। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। अपने दो पर्चा भरा हुआ हूँ, एक बहुजन समाज पार्टी से और एक निर्दलीय। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? इस बार मुद्दे रहेंगे रीवा का भ्रष्टाचार मुक्त रीवा। बहुजन समाज पार्टी के लिए लगातार आपने कार्य किया, उसके बाद भी आप लोगों को टिकट नहीं मिली, तो अब इस चुनाव में कितना असर पड़ेगा उसका देखने को मिलेगा? हमारी टिकट कटाने वाले को मेरे नाम से डर पैदा हो गई है। आज जो पर्चा हमने भरा है और जो आपके माध्यम से रीवा में चलेगा, उस दुश्मन को तो नींद हराम हो जाएगी कि गुप्ता ने रीवा में पर्चा भर दिया है। युवाओं के लिए कुछ मुद्दे आपके पास? युवाओं के लिए जो यहाँ लगातार अपराध बढ़ रहा है, जैसे कुरक्ष हो गया और ऐसे नशीली दवाएं जो रीवा में भारतीय जनता पार्टी बिकवा रही है, उसमें हम कुछ लगाने का काम करेंगे। मैं जनता दल सेक्युलर से हूँ, रीवा विधानसभा क्षेत्र से। एक्चुअली में हम लोग का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि रीवा में आजकल धनतंत्र हो गया है, धनतंत्र का इलेक्शन हो गया है और ये जनतंत्र का इलेक्शन रह नहीं गया। लोग आजकल आप देखिए हर ढंग से, एक तो इलेक्शन के टाइम में धनतंत्र चल रहा, दूसरी चीज़ है जो इलेक्शन आप ही देखिए कि जितना हमारे रीवा में विकास होना चाहिए था इन 15 सालों में 20 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ चीज़ों हुआ पर मैं बताता हूँ, जैसे एजुकेशन है हमारे यहाँ, मुझे याद है आज से 20 साल पहले रीवा में जितने स्कूलें थीं उन गवर्नमेंट स्कूलें थीं, कोई भी नई स्कूलें नहीं बनी हैं हमारे पास। बस वही हम जो आज 20 साल पहले जब पढ़ते थे वही स्कूलें हैं, आज भी वही स्कूलें हैं और उन स्कूलों का स्टैंडर्ड जो स्टेटस हमने देखा है वो भी इतना सही नहीं है, बल्कि हमारा 20 साल पहले का जो लेवल था बहुत अच्छा था। सेकंड, हमारे यहाँ मेडिकल लाइन आप देखिए, हम यहाँ से भागते हैं, हमारे रीवा में कोई दिक्कत होती है हम भागते हैं कहाँ, दिल्ली भागते हैं, नागपुर भागते हैं। रीवा का हर जो वासी है वो कोशिश करता है कि हम नागपुर में जाके अपने आप को दिखाऊँ, ठीक है ना। रीवा में क्यों नहीं, हमारे पास इतना अच्छा हॉस्पिटल है, इतना अच्छा सिस्टम है, हम चाहें तो उसको दुरुस्त कर सकें। तो हम रीवा में क्या करें, मॉल तो बना रहे हैं पर हम हॉस्पिटल और स्कूल नहीं बना रहे हैं। तो प्लस थर्ड ये है कि बेरोजगारी इतनी है कि हम, मैंने सुना है बहुत सारी इंडस्ट्री बन रही हैं, मेरे बगल में ही एक अब सोलर प्लांट खुला है, काफ़ी बड़ा एशिया का बिगेस्ट सोलर प्लांट है, शायद उसकी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी तो वर्ल्ड का सेकंड सोलर प्लांट बन जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि रीवा के जो बेरोजगार लोग हैं उनको कोई भी रोजगार उस सोलर प्लांट में मिला है। विधानसभा में कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में आप किस तरह से जनता के बीच अपने पैर डालेंगे? देखिए, जनता के बीच में हम लोग जो जाएंगे, हम लोग एक तो युवा हैं, हमें विकास से मतलब है, विकास है और विकास के मुद्दे को लेके प्लस जो हमारी कमजोरियां अभी तक जो हैं उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे, उनको हम अपनी बताएंगे कि हमें क्या करना है आगे, जो हमारी पिछली गवर्नमेंट उन्होंने क्या किया, हमें हम क्या कर सकते हैं, उन मुद्दों को हम उनको बताएंगे जनता को। गुड़ विधानसभा की बात की जाए तो यहां से सपाक्स प्रत्याशी प्रभुदत्त दुबे ने भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रभुदत्त दुबे 1998 से 2008 तक राजनीति में सक्रिय रहे और कांग्रेस के पदाधिकारी भी रहे। बीच में प्रभुदत्त दुबे पत्रकारिता क्षेत्र में चले गए और लंबे समय तक वो पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय रहे। 2018 में पुनः वो राजनीति में आते हुए सपाक्स पार्टी से गुड़ विधानसभा सीट के प्रत्याशी घोषित हो गए। आइए जानते हैं प्रभुदत्त किन वादों के साथ जनता के बीच जाएंगे और क्या होगा उनका चुनावी एजेंडा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। हम इस समय मौजूद हैं रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में। हमारे साथ गुड़ विधानसभा से सपाक्स के प्रत्याशी प्रभुदत्त जी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, इस बार के क्या प्रमुख मुद्दे होंगे? देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में और क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एट्रोसिटी एक्ट का प्रावधान किया है, उसमें जिस तरह से काले कानून को लागू किया है, तो पूरा मध्य प्रदेश क्या पूरा देश जो है स्तब्ध है और लगातार ये बातें की जा रही है कि इस कानून को कैसे इससे दूर हों हम। उसमें क्या हुआ कि सारी पार्टियों ने मिल करके संसद में जब बिल पेश हो रहा था तो किसी भी पार्टी ने कोई भी बात उसमें नहीं करी, कोई भी सांसद उसका उसमें इस पक्ष को नहीं रखा कि इस कानून का विरोध किया जाए। तो
तो मेरा और मेरी पार्टी का ये दायित्व बनता है कि लोगों के बीच में जा करके, और सपा इस बात को पूरी जोर शोर से उठा रही है और कह रही है कि ऐसे काले कानून को जिसने पास किया है उसको सत्ता से बेदखल करना चाहिए। आपके प्रमुख मुद्दे गुड़ क्षेत्र में, इसके अलावा सपाक्स का जैसे इंटरसिटी एक्ट का विरोध कर रहे हैं, उसके अलावा आप वहाँ पर विकास की क्या संभावनाएं देखते हैं और किस तरीके से आपकी प्लानिंग है? गुड़ को विगत अगर पीछे से देखा जाए तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का विकास का नाम तो लिया ही नहीं गया। लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए काम करते रह गए हैं। नेताओं का जो काम था वो व्यवसाय को बढ़ाना था, ना कि गुड़ के विकास को बढ़ाना था। आज जिस तरह से गुड़ में इतना बड़ा जो सोलर प्लांट लग रहा है उसमें अगर देखा जाए तो गुड़ के किसी भी नौजवान को वहाँ पर नौकरी नहीं दी गई है और ना ही वहाँ पर विकास की गई है। आप यहाँ से चले जाएँ, गुड़ से लेकर के तमरा दुआरी तक चले जाएँ, रोड का नामो निशान नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जिस तरह से गुड़ की पिछड़ेपन को देख रहा हूँ तो गुड़ को आगे लाने के लिए मैं पूरी तरह से पूरे काम करूँगा। वहाँ पर नौजवानों के लिए काम करूँगा, बूढ़ों के लिए काम करूँगा, महिलाओं के लिए काम करूँगा, अपनी बहनों के लिए काम करूँगा। ये थे हमारे साथ प्रभुदत्त जी, जिनका साफ तौर से कहना था एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर किसी ने किसी तरीके का कोई भी काम नहीं किया, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगा लेकिन वहाँ भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। सिरमौर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ भी बागी प्रत्याशियों की कमी नहीं है। भाजपा के सक्रिय सदस्य होने के बावजूद प्रदीप सिंह पटना ने सपा का दामन थामते हुए साइकिल की सवारी शुरू कर दी है। आज प्रदीप सिंह पटना ने सपा से विधानसभा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रदीप सिंह पटना काफी दुखी महसूस हो रहे थे, जिस तरह से उन्होंने कैमरे के सामने अपना दुखड़ा रोया वो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि वो पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से कितने नाखुश हैं। आइए जानते हैं प्रदीप सिंह पटना ने रीवा दर्शन से क्या कुछ खास कहा। हम मौजूद हैं रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में, हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप सिंह पटना, जिन्होंने अभी अभी सिरमौर विधानसभा से सपा के प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस बार किस मुद्दों पर लेकर वो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। मैं चुनाव में प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आया हूँ। सिरमौर की जनता मेरा पारिवारिक रिश्ता है, वहाँ कोई जात धर्म का नहीं, जैसा ये परिवार वैसे वो परिवार। मैं तो कल तक नहीं चाह रहा था चुनाव के लड़ना, लेकिन उन्होंने कहा ये जनता के साथ जो ये सर्वे कार्यकर्ता के साथ जो छल किया गया है कि कभी उनसे सर्वे कराया जाता है, कैसे उनसे राय शुमारी की जाती है, एक बार नहीं दो बार हमने नहीं उन लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को पार्टी ने ठुकरा दिया। हमने जनता की सेवक के रूप में उनके आदेश का पालन किया है। उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, इस कारण से मैं प्रजातंत्र की रक्षा के लिए ना चाहते हुए भी, क्योंकि वही हमारी भगवान है, सिरमौर के लोग जो प्यार हमें करते हैं, स्नेह करते हैं, वहाँ कोई जात पात धर्म आड़े नहीं आता, इस कारण से मैं आज चुनाव मैदान में हूँ। मेरे साथ जिस तरह से छल छलावा किया है गया, पिछली बार भी मुझे कह के जब मैं रीवा पहुंचा तो मेरा टिकट कट गया, मैं चुपचाप एक कार्यकर्ता के नाते बैठा रहा, लेकिन इस बार भी ऐसे हुआ। उन नेताओं का जिन्होंने मुझे पूरे सर्वसम्मत से मेरा नाम लिया, उन्हें हो सकता है एक कार्यकर्ता का भाव समझ में रहा हो, जिन्होंने मेरी वहाँ भी लड़ाई लड़ी, हो सकता है आज उनको भी दुख हो। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम जैसे लोग 2500 साल से समाज की रक्षा के लिए, समाज के लिए कुर्बानी देने के लिए पैदा हुए हैं, तो हम जैसे लोगों को ठुकरा के उन्होंने प्रजातंत्र और एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी, सिरमौर के लोगों के मान सम्मान की हत्या कर दी, उनके विचार जो कि इस राष्ट्र का सम्मान संविधान कहता है उन्होंने उसका ठुकरा दिया।
आप इस बार पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, उसके पहले भी आप लगातार क्षेत्र से जुड़े रहे, जमीनी नेता हैं, आपके साथ कार्यकर्ताओं की फौज है, आपको क्या लगता है आप अपनी जीत की संभावनाएं कितनी देखते हैं और आप अपना प्रतिद्वंद्वी प्रमुख रूप से किसको मानते हैं? इस बार चुनाव मैं नहीं, जिन्होंने मुझे लड़ाया है वो लड़ रहे हैं मेरे साथ। 25 साल से न कोई जाति है न पात है, जो भी आया तो मैंने सच्चे मन से एक पारिवारिक रिश्ता कायम किया है, तो अगर जीत होगी तो उनकी होगी जिन्होंने हमें लड़ाया है। मैं तो एक उनका सेवक हूँ, सेवक की भूमिका अदा करूँगा। ये थे हमारे साथ प्रदीप सिंह पटना, जिनका साफ तौर से कहना था उनके साथ छलावा हुआ है, वो लगातार क्षेत्र से जुड़े रहे, जमीनी नेता थे, उनके पास कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है, निश्चित रूप से वो अपनी जीत के प्रति काफी आशान्वित हैं। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। उधर कांग्रेस पार्टी से बगावत कर मनगवा विधानसभा सीट से प्रीति वर्मा ने भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रीति वर्मा लगातार कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग करती रही, लेकिन उनका अंतिम क्षण पर टिकट काट दिया गया और बबीता साकेत को यहां से टिकट दे दी गई। लिहाजा नाराज होकर प्रीति वर्मा ने भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो जनता के बीच पहुंच रही है। प्रीति वर्मा से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। हम इस समय रीवा के कलेक्ट्रेट में मऊजूद हैं। अभी अभी यहाँ पर से मऊगंज से मनगवा से प्रीति वर्मा जी ने अपना पर्चा दाखिल किया है। आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है, किन मुद्दों पर वो क्षेत्र में जा रही हैं, चुनाव में लड़ेंगी। सर, हम निर्दलीय फॉर्म डाले हैं, आज हमें कांग्रेस पार्टी ने कुछ लायक नहीं समझे, इसलिए हमें जगह नहीं दी। बस हमने क्षेत्र के जनता और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके लिए हम फील्ड में आ गए हैं उनके कहने से। अब आगे क्या होगा देखते हैं। क्षेत्र की जनता के दबाव पर आपने पर्चा आज दाखिल कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। आपकी क्षेत्र में कौन से ऐसे काम है, किस प्राथमिकता को लेकर आप क्षेत्र में जाएंगे? सर, हमारे सबसे पहले प्रायोरिटी है हमारे युवा, जो युवा वर्ग हैं सिर्फ उनकी लड़ाई लड़ना है। फिर सेकेंडरी थिंग है कि किसान, उनके लिए लड़ना चाहते हैं। चुनावी खबरों में आज बस इतना ही, वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखिए नुक्कड़ में चुनावी चौपाल जावेद अंसारी के साथ। नमस्कार।